फ्रेंड्स, जब मैं छोटा था, मेरे लिए बैट को छोड़ना एक इम्पॉसिबल टास्क था बिना बैट टी के। अब मुझे चाय छोड़े हुए 18 साल से अधिक हो चुके हैं। सो मैं इस वीडियो में कुछ सीक्रेट्स, अगर आप अपनी लाइफ में बैड हैबिट्स को ओवरकम करना चाहते हैं, वो कुछ अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उन सीक्रेट्स को शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला, जब भी आप अपने जीवन में किसी भी हैबिट को चेंज करना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप उस हैबिट को क्यों चेंज करना चाहते हैं। क्या वो हैबिट जिसको आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्या वो हैबिट आपके जीवन में आपके लक्ष्य से जुड़ी हुई है? तो हर छोटी से छोटी चीज़ जो आप अपने जीवन में करते हैं, उसको अपने जीवन के लक्ष्य से जोड़ने की कोशिश कीजिए। सेकेंड, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही लिव्स, यानी कि एसोसिएशन। तो जब भी आप अपनी लाइफ में कोई अच्छी हैबिट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमेशा अपने आसपास कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में रहिए या वेल विशर्स के कांटेक्ट में रहिए, जो आपको उन अच्छी हैबिट्स को आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए बार बार इंस्पायर करें। तो दे शुड एक्ट एज योर रोल मॉडल, बिकॉज अल्टीमेटली हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उन लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर आता है। तो हमें उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो उन अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। इट्स ए वेरी सिंपल प्रिंसिपल जिसको हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। तीसरा, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये चेंज है, अगर हम किसी अच्छी हैबिट को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वो एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्मोकिंग करने की हैबिट है, लेट्स से वो व्यक्ति एक दिन में 20 सिगरेट पीता है, और उसको अगर बोला जाए कि कल से आपको एक भी सिगरेट नहीं पीनी, तो उस व्यक्ति के लिए उस हैबिट को इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल होगा। सो व्हाट इज़ द ऑल्टरनेट, अगर उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में उस सिगरेट पीने की हैबिट को छोड़ना है, तो उसको बेसिकली 20 से 15 पे आना होगा, 15 से 10 पे आना होगा, 10 से 5 पे आना होगा, 5 से 1 पे आना होगा, एंड देन फाइनली ही कैन कम टू 0। तो चेंज जो होता है वो ग्रेजुअल फेजेस में इम्प्लीमेंट होता है, तभी वो चेंज लॉन्ग टर्म में काम करता है। अदरवाइज आपने आज बोला उस व्यक्ति को कि अगर आप आज 20 सिगरेट पीते हो, कल से आपको एक भी सिगरेट नहीं पीनी, तो इट मे हैपन कि आप 2-3 दिन 4 दिन उस प्रैक्टिस को फॉलो कर पाओ, और लॉन्ग टर्म में आप उस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर पाओ। सो ए चेंज शुड बी ग्रेजुअल। इसी प्रकार से अगर अपनी लाइफ में आप कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं, तो धीरे धीरे उनको छोड़ने की कोशिश कीजिए। चौथा, जब भी आप अपनी लाइफ में किसी बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि लैप्सेस होंगे। लैप्सेस होने का मतलब, लेट्स से आपने प्लान किया कि मैं सिगरेट पीना बिल्कुल बंद कर दूंगा, ठीक है, सो इट माइट हैपन कि हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद आप एकदम से आपके मन में विचार आता है और आप एक सिगरेट पी लेते हैं, सो इट इज़ ओके। आप फिर उसके बाद दोबारा से अपने प्रण पे वापस आ जाइए कि मैंने वाव लिया है कि मैं सिगरेट आगे से नहीं पीऊँगा, और धीरे 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 वो चीज़ आपके जीवन से पूरी तरीके से निकल जाएगी। सो द आइडिया इज़ कि आप अगर लाइफ में कोई प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हैं, कोई अच्छा प्रिंसिपल अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं, तो ऑलवेज थिंक कि यस, लैप्सेस आएंगे जब भी मैं उन अच्छी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करूँगा, और मुझे हताश नहीं होना जब वो लैप्सेस आएंगे। आई हैव टू अगेन वेक अप एंड देन अगेन इम्प्लीमेंट दोज रूल्स इन माई लाइफ। सो दिस इज़ द फोर्थ प्रिंसिपल। फिफ्थ, जब भी आप अपनी लाइफ में किसी बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, तो उस हैबिट का कोई सब्स्टिट्यूट आप इनकॉर्पोरेट कर दीजिए अपनी लाइफ में, जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप केवल छोड़ने के ऊपर फोकस करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि शायद आप उस चीज़ को छोड़ ना पाए। सो फोकस ऑन कि सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। सो हमेशा हमें सब्स्टिट्यूट के ऊपर भी इन पैलर फोकस करना चाहिए। तो जब हम सब्स्टिट्यूट को अपने साथ अपनी लाइफ में लेके चलेंगे, तो हमारे लिए बैड हैबिट को छोड़ना बहुत ईजी होगा।
सो अभी हमने 5 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, अगर हम अपनी लाइफ में बैड हैबिट्स को छोड़कर अच्छी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहला, आप अच्छी हैबिट्स को क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दूसरा, आप किस प्रकार के लोगों के संग में रहते हैं उन अच्छी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए और बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए। तीसरा, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप अपने जीवन में कोई चेंज लेके आएंगे तो वो चेंज एकदम से नहीं होता, उस चेंज को आपकी लाइफ में एकोमोडेट होने के लिए कुछ समय लगता है। फोर्थ, हमेशा ध्यान रखिए कि लैप्सेस भी आएंगे। लैप्सेस का मतलब, अगर आज आपने कुछ बैड हैबिट को छोड़ने की वाव ली है तो इट माइट हैपन कि एक हफ्ते बाद फिर आप उसको शुरू करें, नो प्रॉब्लम, स्टिक टू योर वाव, अगेन इम्प्लीमेंट इट। एंड फिफ्थ इज, कुछ सब्स्टिट्यूट साथ में इम्प्लीमेंट कीजिए, सो थिंक ऑफ ए सब्स्टिट्यूट इन पैरेलल।